हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम विंडोज़ क्या होता है और विंडोज़ के प्रोग्राम का बेसिक अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। विंडो का लोगो कुछ इस प्रकार होता है। अब हम यह जानेंगे कि विंडोज होता क्या है। विंडोज़ वह स्क्रीन होता है जो किसी प्रोग्राम को ओपन करने पर आयताकार आकृति में ओपन होता है, जैसे नोटपैड, वर्ड पैड, एमएस वर्ड। अब हम विंडोज़ प्रोग्राम का बेसिक जान लेते हैं, तो इसके लिए हम वर्ड पैड को ओपन करते हैं। विंडो में किसी प्रोग्राम के सबसे ऊपर एक पतली पट्टी होती है, जिसे हम टाइटल बार कहते हैं, जिसमें ओपन प्रोग्राम का नाम दिखाई देता है। जिस प्रकार किताबों में किसी चैप्टर का नाम दिया होता है, उसी प्रकार किसी प्रोग्राम में टाइटल बार पर प्रोग्राम का नाम दिया होता है। पूरा प्रोग्राम जिस आयताकार बॉक्स से घिरा होता है, उसे हम बॉर्डर कहते हैं। बॉर्डर की सहायता से आप प्रोग्राम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। टाइटल बार के राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है, जिसमें मिनिमाइज का प्रयोग करके आप किसी प्रोग्राम को टेम्परेरी डेस्कटॉप से हटा सकते हो, जिसकी शॉर्टकट की है विंडो प्लस एम। मिनिमाइज प्रोग्राम टास्क बार पर शो होता है, जिसे आप ओपन कर सकते हो। मिनिमाइज के राइट साइड में मैक्सिमाइज बटन होता है, जिसका यूज करके हम प्रोग्राम को फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी का यूज प्रोग्राम को छोटा करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए हम इसे रीस्टोर बटन भी कहते हैं, जिसमें प्रोग्राम को छोटा करने की शॉर्टकट की है विंडो प्लस डाउन एरो और प्रोग्राम को फुल स्क्रीन पर करने के लिए हम विंडो प्लस अप एरो का यूज करते हैं। मैक्सिमाइज के राइट साइड में क्लोज बटन होता है, जिसकी सहायता से हम ओपन प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 का यूज ओपन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। टाइटल बार के राइट साइड में क्विक लॉन्च बटन होता है, जिसमें ऑफिस बटन के ऑप्शंस होते हैं, जिसके नीचे ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन पर क्लिक करने पर हमें निम्न ऑप्शन प्राप्त होते हैं। न्यू का यूज नया पेज ओपन करने के लिए किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन का, जिसका यूज पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए किया जाता है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ होता है। तीसरा ऑप्शन है सेव का, जिस पर क्लिक करके हम बनाए गए डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज का, जिसका यूज उसी फाइल को दोबारा दूसरे नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट का, प्रिंट का यूज बनाए गए डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी। जिसके बाद पेज सेटअप, सेंड ईमेल और अबाउट वर्ड पैड एग्जिट। एग्जिट का यूज प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए किया जाता है। ऑफिस बटन के राइट साइड में एक्टिव टैब और मीनू बार होता है, जिस पर क्लिक करने पर विभिन्न ऑप्शंस प्राप्त होते हैं। अब हम वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है जानेंगे, लेकिन वर्टिकल स्क्रॉल बार का ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम इसमें कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। तो मैं टेक्स्ट कॉपी किया हूँ, जिसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार का ऑप्शन शो हो रहा है, जिसकी सहायता से हम पेज को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। जिसके नीचे डॉक्यूमेंट जूम बटन होता है, इसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। जिसके राइट साइड में हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है, जिसकी सहायता से हम पेज को लेफ्ट राइट खिसका सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।